लाइव आऊं तो भी गालियां, नहीं आऊं तो भी गालियां, मतलब क्या ही करूं मैं ये बताओ। कोई मैं सबसे बोलूंगा दुआ कीजिए, इनफैक्ट सब लोग के लिए दुआ कीजिए कि जो भी बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशान में हैं, खुदा उनकी परेशानी को दूर करे, उनको शिफा दे और बस जल्द से जल्द। दूसरों के बर्थडे में बहुत एक्साइटमेंट होती है, अरे बर्थडे है ये, वो ये देखो क्या क्या कर रही हो, गलती से गिरा, सच वाला गलती से गिरा। कौन सा बाकी जान की गिरा रही थी, करते करते वो गलती से गिर गया। तो बाय द वे आज मैं मतलब अचारी मटन खाऊंगा। क्या आज मैंने बोला था कि खुश रहिए, प्यार बांटिए, तो बस ऐसे ही करिए। सबसे ज्यादा खुशी मुझे यही चीज देती है जब अगर मैं कुछ भी हमारे तरफ से अगर कोई थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी कोई अच्छा काम कर सके, किसी को खुशी दे सके, तो वो बहुत मैटर करता है। तो प्लीज उसको ऐसे ही बरकरार रखिएगा, क्योंकि खुशियां बांटनी चाहिए यार, खुशियां बांटने से कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती हैं, तो उसको बांटो प्लीज। शोएब सर प्लीज मेरा नाम ले लो एक बार। साबिया सैंडी, मैंने आपका नाम ले लिया। आओ भाई, हो गया काम? अच्छा काम हो रहा है अभी, क्योंकि सब नीचे वेट कर रहे हैं। मैं कुछ ज़्यादा, आई थिंक पहली बार मैं लाइव में इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करने के बाद मेरी हैबिट हो गई है, वैसे ही पहले मैं बड़ा हाँ कैसे हैं आप, हाँ बस ठीक है, हाँ अच्छा है, ये सब चलता रहा करता था। तो फायजा 7640 वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू विशेस के लिए। रेश डॉट मा, थैंक यू। क्या ये समुद्र रखिए, ये देखो अभी देखो इसके फेस पे भी केक लगा होगा नीचे, वो लगा हुआ है, अम्मा ने लगाया है, ये भी अम्मा ने लगाया है। हाँ जी बोलिए। एक तो बहुत सारे कमेंट्स हैं फिर, अरे पर आप लोग ना बहुत डांट देते हो मुझे कभी कभी कि ठीक है हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं, आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते। अब इतने सारे हैं, अभी कैसे मैं, खुद आप बताइए कैसे मैं सबको रिप्लाई कर पाऊंगा। अंकिता दिनकर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और कुछ पूछिए, सवाल आप पूछ सकते हैं जब मैं आपके सामने हूँ लाइव में, तो अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कर सकूं। क्या हो रहा है? अच्छा टेबल सेट कर, ओहो टेबल सेट कर रही हो, वही वाला टेबल, हाँ वही वाला टेबल सेट कर रही हो, खिंचाई चल रही है इसकी अभी भी यहाँ पे भी। व्हाट दीपिका गिफ्टेड यू रादर देन कॉपी वाला सरप्राइज, यार उसने मतलब सबसे बड़ा गिफ्ट तो मुझे अल्लाह ने उसको दे दिया है, उससे ज्यादा गिफ्ट बड़ा चाहिए नहीं। और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि आप जब कोई चीज़ बोलते हो और वो ऑफिशियली आपकी हो जाए, कि उस उन वर्ड्स पे आपका हक हो जाए, तो आई थिंक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए इस बार का ये वही है। खुश रहो, प्यार बांटो, इज नाउ फाइन। मुक्ति, इतने अच्छे इंसान कैसे हो आप? अरे यार ये तो बहुत बड़ा टफ सवाल है, मतलब मैं कैसे बोलूँ इसका जवाब, सबसे टफ होता है कि इतने अच्छे इंसान कैसे हो आप। मेरे ख्याल से यार मैं इतना कोई अच्छा मतलब नहीं बोलता, लेकिन हाँ बस एक बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कि आप हम्बल रहो, काइंड रहो, लोगों की मदद के लिए रहो, प्यार हमेशा खुशियाँ देते रहो लोगों को, कोशिश करो, हर एक को देना पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो सके अपनी तरफ से लोगों को खुशियाँ देते रहो आप। मतलब क्या बोलूँ मैं, अच्छा इतना भी अच्छा नहीं हूँ, बस जैसा हूँ, जैसा आप सबकी तरह मैं भी हूँ, बस कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ, शायद वो हो जाती है मुझसे, बस शुक्र है अल्लाह का। यूपी के ब्लॉग्स कब? यार भाई आपको तो पता है कि किसने पूछा, एक्सेंट ये पूछा है मुदस्सर मिर्ज़ा ने। यूपी के ब्लॉग्स इंशाल्लाह आपको फेब में ही देखने को मिल जाते, लेकिन ड्यू टू सिचुएशन पापा की तबीयत खराब हो गई थी, और फिर उसके बाद जो कोविड का सिचुएशन था हमारी पूरी हमारे पूरे देश में, तो उसके वजह से हमने कैंसिल किया, लेकिन इंशाल्लाह आगे आगे, अभी तो फिलहाल बारिश है, आगे सर्दियों में अगर मौका मिला और सिचुएशन ठीक रही तो डेफिनेटली वहाँ पे हम जाएंगे, और बहुत वक्त भी हो गया है कि हम गए नहीं हैं, वहाँ पे जाएंगे, और फिर वहाँ से तो अगर जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको ब्लॉग वहाँ से मिलेंगे। बहुत बोल रहा हूँ आज यार मैं, कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ क्या? दीपिका भाभी आपको क्या बुलाती हैं प्यार से? दीपिका भाभी क्या बुलाती हो प्यार से आप? सोचना पड़ेगा तो भाई, अभी तो कुछ भी, कभी बच्चा, कभी शोएब, कभी कुछ, तो चलता रहता है वो। सबा मैम को लाइव ले लीजिए सर। सबा मैम को लाइव मैं ले लूं, लेकिन वो अभी मुझे तो दिखेगा नहीं इसमें वो है कि नहीं है, और उसने रिक्वेस्ट की है कि नहीं है, वो नीचे है अभी अभी सब बेसिकली, हाँ ऊपर आने वाले हैं, अगर तक मेरा लाइव चलता रहा सब ऊपर आ गए तो डेफिनेटली मैं ले लूंगा।
मनप्रीत सुर, मेरी माँ आपकी फैन है, शी इज नॉट वेल. मैं दुआ करता हूँ मनप्रीत के आपकी मम्मी जो हैं उनकी तबीयत ठीक हो जाए, और मैं दिल से दुआ करता हूँ. और मैं सबसे बोलूँगा कि दुआ कीजिए, इनफैक्ट सब लोग के लिए दुआ कीजिए कि जो भी बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशान में हैं, खुदा उनकी परेशानी को दूर करे, उनको शिफा दे और बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए. रेशमा हुसैन, शुक्रिया. टिया डॉट शाह, मुझे आपकी फैमिली बहुत पसंद है, अल्लाह पाक आप सबका प्यार इज्जत ऐसी बरकरार रखे. थैंक यू, आमीन, अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करे. और गजाला नूरी, मजनू भाई, हाँ चढ़ा लो आप लोग, इतना चढ़ाना है आपको बोल बोल के. मजनू भाई चढ़ाइए, आपको मौका मिल गया ना तो आप चढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, कभी हमारे भी दिन आएंगे. ये देखिए देवी देवेश सैनी, अरे यार कुछ बोलो प्लीज, गुस्से वाला साइन, मतलब लाइव आऊं तो भी गालियां, नहीं आऊं तो भी गालियां, मतलब क्या ही करूं मैं, ये बताओ. कोई बात नहीं, ठीक है छोड़ो. शोएब अंडरस्कोर दीपिका, खुश रहिए, प्यार बांटिए. आपकी अम्मी की ख्वाहिश कब पूरी होगी? अम्मी की ख्वाहिश तो धीरे धीरे पूरी होती रहती हैं, और इंशाल्लाह जो उनकी और ख्वाहिशें वक्त आने पे वो भी पूरी होंगी इंशाल्लाह. आप टीवी में कब आएंगे? वी आर वेटिंग. यार देखो मैं मीटिंग्स तो करता हूँ, मैं ऑडिशन देता हूँ, लेकिन मुझे कोई ले ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ अभी? आपको सोचिए, जब मिलेगा तो डेफिनेटली आऊँगा. आपकी फैमिली देखकर ऐसे लगता है जैसे आज भी, क्या है ये? नीलोफर खान, पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया मैंने क्या लिखा. राधा सिंह, आई विश आप चारों की फ्रेंडशिप बॉन्डिंग हमेशा ऐसी ही रहे. इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी. तीन बैठे हैं यहाँ पे, एक चौथा मैं यहाँ बैठा हूँ, इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी. थैंक यू. फिल्म्स करूँ, आई एम सत्या पांडे. भाई कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन हो जाएगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा, देखते कब होगा. आप टीवी में नहीं, डायरेक्टली मूवी में आएंगे, आई होप आपकी दुआ कबूल हो जाए. ब्लेस्ड आई यू 04, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. आ जाओ. तो ये देखिए, अभी हम भी लॉकआउट हो जाएंगे, तो हमने कहा उससे पहले आ जाए. ये आ गई. हाँ जी, तो क्या प्रिपरेशन चल रही है आज? मैंने फिर से मैसेज बता दिया सबको. हाँ, बस वही और कुछ नहीं, अभी लास्ट मिनट में सब हरा धनिया डालना, खाना लगाना, बस वही है, क्योंकि अभी नीचे से कभी भी आ जाएंगे सब लोग, तो खाना मैसेज कर दे नीचे. तो नीचे का मैसेज हो गया है, तो मैं लाइव थोड़ा रहता हूँ ना, सबको लेता हूँ. पूछो कब आ रहे? हाँ तो थोड़ी मैं लाइव रहता हूँ. देखो मुझे बुलाया है किचन से अपना काम छोड़ के, और मुझे ही काट रहे हो. अच्छा ये लो ये लो, नहीं काट रहा हूँ मैं. हाँ जी, तो थोड़ा विश विश कर दो सब कहना, मुझे भी थोड़ा सा बोल दो कुछ. हैप्पी बर्थडे शोएब, हैप्पी इसका बचपना मुझे इसी यही इसका बचपना मुझे अच्छा लगता है. बट आई होप, उम्मीद करता हूँ कि हमेशा ऐसे बरकरार रहे, हमेशा ऐसे बरकरार रहे. मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली. तो अब तुम निकल जाओ, काम कर सकती हो तुम. तो अभी मैं सोच रहा था कि मैं लाइव बंद कर दूंगा, लेकिन मैं अभी लाइव बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दीपिका ने बताया कि नीचे से घर वाले आने वाले हैं. तो हाँ कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी बोलने लगा हूँ मैं, है ना? पर ठीक है, बोलना मुझे ऐसे एक्साइटमेंट समझ में आता है इंसान का, कितना एक्साइटेड है. धनिया गाल पर लगा है, किसके लगा है धनिया गाल पर? तुम्हारे लगा है? नहीं, वो केक लगा हुआ है. धनिया नहीं, केक है. सुज्ञान, सुज्ञानी होता, आई थिंक, आई होप मैं आपका नाम सही पढ़ रहा हूँ, सुज्ञानी होता. थैंक यू, मैसेज पढ़ लिया मैंने आपके. बाल मेरे बढ़िया परफेक्ट साइड है यार, है ना? यस. इन्फाइनाइट ड्रीम्स भाई, क्या आपको तमिल लैंग्वेज आती है? और कैसे हैं आप सब? वेरी हैप्पी बर्थडे भाई. नहीं, इन्फाइनाइट ड्रीम्स मुझे तमिल नहीं आती है, आई एम सॉरी. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया विशेष के लिए. आप भी सेफ रहिए, खुश रहिए और प्यार बांटिए. दीपिका किस वेबसाइट से सूट मंगाती है? अनु ने पूछा है. दीपिका कभी कोई एक पर्टिकुलर नहीं मंगाती ना दीपिका. बोलो बोलो
हाँ, दीपिका कभी कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट से नहीं मंगाती है, वो हमेशा बस जब भी फ्री टाइम पे रहती है ना वो सर्च